विचार करने, एबीसी यानी एनिमल बर्ड कंट्रोल। क्या आपको ये पता है कि हाउ मेनी एनिमल्स आर वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट ऑल अक्रॉस इंडिया? डू यू नो दैट काउंटलेस होमलेस एनिमल्स कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम सफरिंग एंड डेथ इफ मोर एंड मोर एनिमल्स वर स्टेरिलाइज्ड? ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं नसबंदी। क्या ये करवाना ज़रूरी होता है? हाँ, ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि नंबर वन, जिन जानवरों की नसबंदी की जाती है वो लंबे समय तक जीते हैं और कम भौंकते हैं, कम चिल्लाते हैं, कम काटते हैं। ये एक फैक्ट है, आप किसी भी वेट से ये कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है स्टेरिलाइजेशन का? ये है कि हमारे पेट्स की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे तब जो बेघर जानवर हैं उनको घर मिल सकते हैं या वो उम्मीद रख सकते हैं घरों की। फिलहाल वो सड़कों पर भटकते हैं, एनिमल शेल्टर्स में भटकते हैं। जब हम ब्रीडर से या किसी पेट स्टोर से पेट लेना बंद करते हैं तब ये जो बेघर जानवर हैं इनको घर के मिलने की उम्मीद होती है। हम ये काम इनके लिए कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। हमें करना क्या होगा? बस अपने पेट्स को स्टेरिलाइज करना होगा। और मैंने बॉब चोपड़ा, जो कि मेरी पेट का नाम है, उनके डॉक्टर से बात की, जिनका नाम है डॉक्टर चौसलकर। उन्होंने कहा कि फिलहाल बॉब बहुत छोटी है, 1.5 साल की है। बहुत जल्द 6 या 8 महीने बाद मैं चाहूँगी कि उसकी नसबंदी करवाई जाए उसकी भलाई के लिए।